Hey guys, this is Himanshu and I'm a travel blogger. और आज finally Leh. So guys, 100 में से 60 लोगों का सपना होता है दिल्ली से या फिर अपने घर से बाइक लेके ले आना. मेरा भी ये सपना हुआ करता था. बट आप लोगों को तो कॉर्पोरेट लाइफ पता ही है, छुट्टियाँ होती नहीं. अगर होती भी है तो सारी छुट्टियाँ अगर ले लें तो साल भर क्या करें. सो इसी वजह से मेरा ये ट्रिप काफ़ी टाइम से पोस्टपोन हो रहा था, तो आज फाइनली ये ट्रिप एग्जीक्यूट हुआ. तो गाइस, हम लोग कल पहुंच गए थे यहाँ पे. और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब भी किसी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे आते हैं, स्पेशली लेह पे, होता है कि एक दिन रेस्ट करें प्रॉपर, ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली. तो कल हमने पूरा प्रॉपर यहाँ पे रेस्ट किया और आज हम लोग सुबह उठ गए अर्ली मॉर्निंग और आज सारे रेडी हो गए हैं. आज हमारा प्लान ये है कि आज हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली यहाँ से. और जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, ये होटल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा होटल है. उस होटल का नाम है मे फ्लावर होटल और यहाँ से खिड़की से हमने बाईपास बनाए हुए हैं. तो बेसिकली यहाँ पे बालकनी है और कॉमन रूम्स हैं, तो हम लोग बालकनी से ही जा रहे हैं. और ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है. और यहाँ पे एक नीचे बहुत अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, एक प्रॉपर मेंटेन गार्डन बनाया हुआ है छोटा सा. सो गाइस, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ के मैनेजर मेरे साथ है. सो क्या नाम है सर आपका? प्रकाश. प्रकाश जी यहाँ पर है. तो होटल का नाम है मे फ्लावर. जब भी आप ले आते हो इस होटल में आ जाइए और आप मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी देंगे. जनरली यहाँ पे जो प्राइस रहता है पर रूम का डबल शेयरिंग में 1200 के अराउंड रहता है. और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रहे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा. और प्लस पॉइंट ये कि ये सारी चीज़ अरेंज करा देते हैं, टैक्सी वगैरह, आपको बाइक रेंट कुछ भी चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. और होटल काफ़ी अच्छा है, स्टाफ अच्छा है और इनके पास प्रॉपर्टीज और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है. फोर स्टार काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम रुके थे वो भी काफ़ी अच्छी थी. तो अगर आप आते हो तो ज़रूर यहाँ आइए. तो गाइस, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है. अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो अप्रैल से लेके मिड ऑफ अक्टूबर तक यहाँ पे होटल्स जो है अवेलेबल रहते हैं. अभी इवन हम सेप्टेम्बर एंड में आए हुए हैं और स्टिल यहाँ पे जो होटल्स हैं, कई सारे होटल्स बंद हो गए हैं और कई होटल्स में रूम काफ़ी कम अवेलेबल है. बिकॉज यहाँ पे सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो लोग अपना सारा होटल को इंसुलेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं. और जिस होटल में हम रुके हुए उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. सो गाइस, हाउ इज द जूस? सो इस बार ट्रिप में ज्वाइन किया है दी फोटोग्राफर सीन करण एंड नेम शुभम. सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से नुब्रा वैली जाने वाले हैं और वहाँ पे स्टे करेंगे रात को. इन लोगों ने सालों ने अकेले के लिए ब्रेकफास्ट कर लिया. मैं भूखा पड़ूँ अभी, मैं यहाँ सीधे मार्केट जाके पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और हमारा ड्राइवर भी आ रहा है, उसके बाद सीधे निकलते हैं नुब्रा. सो गाइस, ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने कर लिया है, भूख इतनी तेज लगी थी कि आप लोगों को दिखाना भूल गए. सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं लेह से और यहाँ से जो नुब्रा वैली है वो 150 के आसपास है, 150 किलोमीटर के आसपास, और जिसमें हमें अराउंड 5 घंटे लग जाएंगे. और हमारे साथ जो भैया टैक्सी राइड कर रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? सज्जान सर. सुजान? सज्जान. सज्जान भाई साहब हमारे साथ राइड कर रहे हैं और काफ़ी सही बंदे हैं और इनका मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली इनके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कभी भी ले जा रहे हो. और साथ में दोस्त लोग पीछे बैठे हुए हैं. ओके है ना भाई, आ रहा है फील लेगा? यो, सामने व्यू देखो. हाँ, व्यू देखो यार, सही में. सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं चेक पोस्ट पे. यहाँ पे हम लोगों को सारे अपने जो भी पास हैं सारे वैलिडेट कराने होते हैं. चेक पोस्ट यहाँ पे है और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के अराउंड अभी खरदुंगला बचा है. ये 12 या 15 किलोमीटर है. तो जो फर्स्ट स्टॉप हम लेंगे वहाँ पे खरदुंगला में लेंगे और जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है आपको पता ही है. और यहाँ से एक अमेजिंग व्यू आ रहा है पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ. वाओ, अमेजिंग. लेह की फीलिंग आने लगी है पूरी. और इस टाइम पे जो हवा है यहाँ पे ना, चिल्ड, एकदम चुप रही है ठंडी सी हवा. सीरियसली गाइस, इस टाइम पे यहाँ पे बाइक से आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बिकॉज जो हवा है यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है, चुप रही है लिटरली. और जो लोग आए हैं सीरियसली पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं.
जो हमने जो डिसीजन लिया सही लिया, अदरवाइज हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग बाइक रेंट पे ले लेंगे, गाड़ी में आना ज़्यादा बेटर है इस टाइम पे, सितंबर एंड के टाइम पे। और बाकी अभी देखते हैं खरदुंगला तक क्या हाल होता है वेदर का, कितनी ठंड बढ़ जाती है। सो गाइस चलते चलते हम लोग पहुंच गए खरदुंगला पास, जो कि 17,982 फीट की ऊंचाई पे है और यहाँ पे हाईएस्ट मोटरेबल रोड इसे बोला जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ अभी जमी हुई है, अभी इस टाइम पे ज़्यादा बर्फ़ होती नहीं है सितंबर के टाइम पे, और ज़्यादा लोग भी नहीं है, कम लोग हैं बिकॉज अभी ऑफ सीजन है। सो गाइस आप लोगों ने ये तो बहुत सारी वीडियोस में देखा ही होगा, जो भी वो लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाते हैं। सो दिस इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं फाइनली। हालांकि बाइक से नहीं आए इस बार, कार से आए हैं, बट इसी बहाने हमें नेक्स्ट टाइम आने का मौका मिलेगा कि हम नेक्स्ट टाइम बाइक में आएंगे। इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा कम एनर्जेटिक लग रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है और थोड़ा सा चलने में सांस ऐसी फूल रही है, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 12 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के इतनी थकान के बावजूद भी एक टॉप पर जा रहे हैं, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, आई होप वहाँ से व्यू अच्छा है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी रात दिन रात ड्यूटी करती है, कितना टफ होगा यहाँ पे रुक के ड्यूटी करना। यहाँ पे इतने दिन के टाइम में इतनी ठंड है, सोचो दिन रात यहाँ पे ड्यूटी करना कितना टफ होगा सीरियसली। मैं सल्यूट करता हूँ यार इंडियन आर्मी को, कैसे ड्यूटी कर लेते होंगे सिर्फ हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग वहाँ पे अच्छे से रह सके। सो गाइस यहाँ पे हम लोग तो बाइक से नहीं आ पाए, काफी सारे लोग बाइक से आए हैदराबाद से, राइट राइट राइट। सो यू गाइस आर कमिंग फ्रॉम हैदराबाद और यू हैव रेंटेड बाइक फ्रॉम मनाली और रेंटेड फ्रॉम ले। So guys, how is your experience? Awesome. Nice. Awesome. You wanna say something to my viewers? Yeah. Any recommendations? Ask my patient can also come here. Actually, it's a lifetime trip. Yeah. It's a lifetime trip. Adventure trip. Cool. Every other minute like we are enjoying, though it is a little hard to breathe. But we can breathe enjoying. And then like again come into the nice. Fitness level nice, test nice, for nice. Everyone. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. खरदुंगला पास से थोड़ा सा आगे निकल के हम दूसरा जो चेक पोस्ट आता है वहाँ पहुँच गए हैं, नॉर्थ पुल्लू नाम है इसका। जिन लोगों को अस्थमा है, जिनको एस्मा है, जिनको सांस की कोई भी बीमारी है और थोड़े एल्डरली पर्सन जो लाइक मोर देन 35 और 40 है, उनके लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। ट्राई करो कि यार यहाँ पे नीचे मिलते हैं ऑक्सीजन, आपके ऑक्सीजन मास्क मिलते हैं, पंप मिलते हैं, सस्ते हैं 400 रुपये के आसपास है, बट ट्राई टू यूज देम। सो अभी हम यहाँ से निकल के सीधे पहुँचेंगे कहाँ, नुब्रा वैली। और रास्ते में पता नहीं अभी तक कोई व्यू मिल नहीं रहा है, भगवान जाने, वीडियोस में तो काफ़ी व्यूज दिखते हैं, पता नहीं कब आएंगे, वेट कर रहे हैं हम कोई अच्छा व्यू आए और हम फोटोग्राफ्स वगैरह खींचें। सील ने कैमरे में लेंसेस रेडी रखे हैं, एकदम बंदूक में गोलियां डाल के रेडी रखा है, बस शूट करने की देरी है। हम लोग हिमालयन डेजर्ट के बीच में गांव पड़ता है खलचर, वहाँ रुके हुए हैं। सो बेसिकली लंच के लिए रुके हुए हैं बिकॉज सुबह से चल रहे हैं और खरदुंगला पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग में, बट अभी नॉर्मल हो गया है बिकॉज हम नीचे आ गए वैली में। और ये जो वैली है बिल्कुल बीच में है, यहाँ पर एक रिवर भी है बहुत बड़ी और चारों ओर डेजर्ट है एकदम, एक बिल्कुल ना पेड़ ना कुछ, बस बीच में जो वैली है यहीं पर सारे पेड़ वगैरह है, एक गाँव सा बसा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हुए हैं, इसके बाद हम सीधे यहाँ से नुब्रा वैली जाएंगे, यहाँ से नुब्रा वैली ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है जहाँ भी जाओ दिल्ली वाले तो मिल ही जाते हैं, हमें यहाँ पे एक ग्रुप मिला है दिल्ली से जो लोग आए हुए हैं और लेह से बाइक राइड कर रहे हैं, एक पूरा ग्रुप है दिल्ली द्वारका दिल्ली द्वारका से दिल्ली द्वारका से
ले आए थे भाई फ्लाइट, दो दिन ऑलरेडी हो चुके हैं. नुब्रा हमने कवर किया है, अभी हम बैंकॉक की तरफ जा रहे हैं. अच्छा, वहाँ से कवर करते हैं चाइना बॉर्डर कवर करेंगे. तो कैसा रहा फिर आपका ट्रिप, मजा आ रहा है? बाइक क्या रिकमेंड करेंगे, आपकी बाइक से आना चाहिए या कैसे आना चाहिए? मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप बाई फ्लाइट आओ, देन यहाँ से बाइक लो. अच्छा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, वहाँ से मनाली से आते हैं, कोई सर्विस नहीं है, बट यहाँ आने के बाद अगर बाइक लेंगे तो बेस्ट. चलो बढ़िया. तो गाइस अभी हम लोग हिमालयन डेजर्ट के बीच में, एक गांव पड़ता है खलजर. यार शुभम भाई तुम बड़े शांत लग रहे हो, क्या चक्कर है? नहीं नहीं ऐसा कुछ तो बात है, किसी की याद आ रही है ऐसा कुछ? याद तो बिल्कुल नहीं आ रही.